जब कोई आपसे जलने लगे तो ये समझ लेना कि आप उनसे दो कदम आगे हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 मई करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के करंट अफेयर सेशन में हम टोटल हम 10 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इंस्टीट्यूट जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उन दोनों जगहों पर जो है आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से ये सारे अपडेट मिलते रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन में प्रेस करके वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना। तो देखिए, देश आपका है स्लोवेनिया, और इसके बारे में डिटेल में जानना तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 15 मई। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने मदिर समृद्धि योजना शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और चौथा था कि हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, इनका क्या नाम था। तो देखिए, इनका नाम था रॉबर्टो अजेवेदो। और पांचवा था कि हाल ही में मई महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए, ये क्रम था 32वां। और इसके बारे में अगर और भी डिटेल जानना है तो आप परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, जो आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे है ये 18 मई को हर साल मनाता है। और देखिए, 2020 का जो आपका ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे है तो इसकी थीम रखी गई है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो डेट और थीम याद रखना है, फिर से सुन लीजिए। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है ये 18 मई को हर साल मनाता है, और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके अनुराग जैन हैं इनको दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यही जो है DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी होते हैं। तो वर्तमान में जो आपके दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, इनका नाम है श्री अनिल बैजल। ठीक है, तो अनिल बैजल वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष होंगे। और अभी हाल में जो आपके अनुराग जैन हैं इनको क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण का। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और देखिए, आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण है तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में की थी। और आपको बताना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम बताइए जल्दी से। इनका नाम ए से स्टार्ट होता है और शॉर्ट में इनको AK भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन बनी। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी वसुधा मिश्रा हैं इनको अपॉइंट किया गया है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं UPSC। ठीक है, तो UPSC की जो नई सचिव बनी इनका नाम है वसुधा मिश्रा। देखिए, जो आपका UPSC है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके चेयरपर्सन है वर्तमान में अरविंद सक्सेना जी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और UPSC की स्थापना पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, कब, 1 अक्टूबर 1926 को। तो डिटेल्स याद रखिएगा ये UPSC के बारे में। यहाँ पे दो नाम आपको फोकस करने हैं, पहला नाम है वसुधा मिश्रा का, ये जो है संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव बनी है। दूसरा, वर्तमान में जो आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इसके जो चेयरपर्सन का नाम है अरविंद सक्सेना। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। तो देखिए, व्यक्ति आपके हैं अखिल कुमार। अभी हाल ही में अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के अनुशासन पैनल पर जो है फिर से शामिल किया गया है। देखिए, जो आपके अखिल कुमार हैं ये जो है इससे पहले 2017 से 2019 तक जो है इस पैनल के सदस्य थे। ठीक है, तो दोबारा ये इस पद पर अपॉइंट हुए हैं, कौन, अखिल कुमार जी। और देखिए, जो आपका NADA है इसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। और वर्तमान में जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है नवीन अग्रवाल। और NADA की स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी, और इसका मोटो है प्ले फेयर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। देखिए, ये सारे फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि यूक्रेन के किस फुटबॉल खिलाड़ी को अभी हाल ही में UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
तो देखिए यूक्रेन के ये खिलाड़ी आपके हैं आर्टेम बिसिडिन, याद रखिएगा नाम, आर्टेम बिसिडिन जो है ये यूक्रेन के एक फुटबॉलर हैं और अभी हाल ही में इन पर जो है 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किस लिए? डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा प्रतिबंध लगा है? UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2020 को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया? तो देखिए 16 मई 2020 को अभी हाल ही में सिक्किम ने जो है अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। देखिए 1975 में इसी दिन यानी कि 16 मई को ही जो आपका सिक्किम राज्य है ये अस्तित्व में आया था। और सिक्किम जो है यहाँ की खास बातें क्या हैं? देखिए जो आपका सिक्किम राज्य है तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है इसमें नेपाली, अंग्रेजी और सिक्किमी और लेप्चा शामिल है। और 2016 की बात है, देखिए 2016 में जो आपका सिक्किम है ये भारत में और विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। और ये मान के चलिए 2016, 17, 18, ठीक है, तो जब ये बना था उसके बाद से मतलब 3-4 साल लगातार ये एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहा है कि भारत का और विश्व का जो पहला पूर्ण जैविक राज्य है ये कौन है, तो ये राज्य आपका है सिक्किम, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए सिक्किम के बारे में कुछ और भी जानकारी है, देखिए सिक्किम जो है यहाँ की राजधानी गंगटोक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। सिक्किम की टोटल पॉपुलेशन है 6.19 लाख यानी कि 6.19 लाख। और देखिए सिक्किम को लोकेट कर लेते हैं मैप में, देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है और इसी में आपका सिक्किम में स्थित है। थोड़ा सा मैप को हम जूम करेंगे और देखिए सिक्किम जो है इसके बारे में सबसे खास बात क्या है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये 3 देशों के साथ लगती हैं, पहला देश नेपाल है, दूसरा चाइना और तीसरा आपका है भूटान, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए सिक्किम जो है इसकी राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये बहुत ही खास पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, देखिए UPSC और UPPSC में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो आपका मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि नेपाल, चाइना और भूटान तीनों देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, तो देखिए ये भारतीय राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। देखिए मैं जितने भी फैक्ट बताता हूँ वो सभी एग्जाम से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। और मेरा मोटो ये होता है कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो उसको आप जरूर नोट कर लिया कीजिए। देखिए 7वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, 7वां प्रश्न है किस योजना को मई 2016 में शुरू किया गया था? तो देखिए मई 2016 में जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसको शुरू किया गया था और ये प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट होता रहता बार बार। देखिए 1 मई 2016 को जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है शुरू किया था। और देखिए जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये क्या चीज़ है, देखिए जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं यानी कि जो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल वाले परिवार हैं, तो उनसे संबंधित जो महिलाएं हैं उनको जो है मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। और देखिए इस योजना का जो कार्यान्वयन है ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है, तो 2016 में अगर योजना स्टार्ट हुई तो टोटल 4 साल इसको जो है पूरे हो गए कम 2020 में, ठीक है, तो अभी रिसेंटली 4 साल इसके पूरे हुए हैं और इसको सेलिब्रेट भी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखिए अभी रिसेंटली MPPSC का एग्जाम हुआ था और कुछ और भी राज्यों के एग्जाम हुए थे, तो उनमें जो है ये सारी योजनाएं रिपीट होती रही बार बार कि कौन सी योजना कब शुरू हुई, किस मंत्रालय के द्वारा वो संचालित हैं, एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो देखिए और दूसरी चीज़ कहाँ से वो योजना लॉन्च की गई थी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, इसके बारे में जो डिटेल्स है इसको नोट कर लीजिएगा कि इसको जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई 2016 को, ठीक है, और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखी रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से बैठ के जो है नोट कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है ये प्रति माह कितना है? तो देखिए वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका वेतन है यानी कि सैलरी है 5 लाख रुपए। देखिए पहले राष्ट्रपति का जो वेतन है ये 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए हुआ करता था, लेकिन जब 2018 का जो बजट पेश किया गया, ठीक है, तो उसमें जो है राष्ट्रपति के साथ साथ जितने भी मतलब और भी कुछ संसदीय पद हैं, ठीक है, तो सबका वेतन बढ़ाया गया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, तो फिर बाद में राष्ट्रपति का जो वेतन है ये बढ़कर कितना हो गया? 5 लाख रुपये। और इन्होंने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है, क्या किया है? देखिए जो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है कि ये अपने वेतन का 30% COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए जो है दान करेंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो सबसे खास बात है उसको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन यानी कि सैलरी कितना है? 5 लाख रुपये है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे।
देखिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, तो इनके साथ 8 और भी लोग जो है ये वहाँ की राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। देखिए जो आपके उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने जो है पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन ये उस समय जो है जो आपका वहाँ का विधानमंडल है उसके किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है किसी भी राज्य का, तो कोई जरूरी नहीं कि वो उस समय जो है वहाँ जो विधानमंडल है उसके किसी भी सदन का सदस्य हो। उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है शपथ लेने के बाद, ठीक है। तो इनको भी 6 महीने का टाइम दिया गया था, तो इन्हें इन्हें जो है 27 मई 2020 से पहले जो है वहाँ के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का जो है सदस्य बनना अनिवार्य था, नहीं तो ये इनको अपना पद छोड़ना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्होंने 27 मई से पहले ही वहाँ पे फिर चुनाव उनाव लड़ा और फिर वहाँ के राज्य विधान परिषद के लिए जो है अब हाल ही में निर्विरोध चुने गए। तो ये बेसिक डिटेल्स है, इसको याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका शंघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, तो इसके विदेश मंत्रियों का जो बैठक है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, तो इसका कोई आयोजन स्थल नहीं रहा इस बार। और जो भारत के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से जो है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और देखिए जो आपका शंघाई सहयोग संगठन, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए जो आपका शंघाई सहयोग संगठन है, तो 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और वर्तमान में जो आपका शंघाई सहयोग संगठन है, तो देखिए इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए इसका जो मुख्यालय, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो देखिए शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, चीन के बीजिंग में। और इसके जो 8 सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं, देखिए भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 सदस्य देश हैं किसके, SCO के, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे, 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा MIRASD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है, इसका आंसर बताइए। और देखिए इस डैशबोर्ड के बारे में डिटेल बताइएगा, क्योंकि कल के वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, अगर नहीं याद आ रहा है तो कल का वीडियो देख के उसको तुरंत रिवाइज कर डालिए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई, इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया, आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाइए, आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक हमारे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।